गुड मॉर्निंग लिटिल चैम्स, हाउ आर यू। मी अर्चना श्रीवास्तव, योर टीचर, एंड टुडेज आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी। ओके, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में पहले हमने क्या पढ़ा है? हिंदी में पहले हमने पढ़ा है स्वर। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे? उसके पहले हम अपनी बुक्स निकालेंगे भाई। चलिए, टेक आउट योर बुक्स, एंड योर बुक्स नेम इज़ मेरी पहली पुस्तक। क ख ग, वेरी गुड। एंड ओपन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ है फिर से दोहराइए, मतलब जो आपने पहले पढ़ा है उसे एक बार फिर से रिपीट करिए। ओके, चलिए, क्या है? आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं, आहा खाली, बजाओ ताली। वेरी गुड, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक। आ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़े से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि। ऋषि जानते हैं ना, बहुत ज्ञानी होते हैं। ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं, आहा खाली। वेरी गुड, एंड ओपन पेज नंबर 15। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा व्यंजन है। ओके, व्यंजन में का से हा तक होता है। चलिए पढ़ें। देखिए, का से कबूतर, और क्या क्या होता है? का से कछुआ, और का से कमल, कमल का फूल जानते हैं ना, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है, ठीक। चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको। ठीक, का से कबूतर, का से कछुआ, का से कमल, और कुछ देख रहे हैं साइड में क्या है? देखिए, हमारे राइट हैंड साइड में क्या है? ये है राइम्स। क्या है? का से कबूतर मन को भाता, गुटर गुटर गू गीत सुनाता। वेरी गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खा। खा से खरगोश, खा से खतमल, खा से खत। खत जानते हैं किसको कहते हैं? खत जब कोई बाहर जाता है, कोई अगर बाहर है तो वो अगर हमें हालचाल लेना चाहता है तो वो हमें चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है, उसको खत कहते हैं। ओके, फिर से। खा से खरगोश, खा से खटमल, खा से खत। इसमें भी राइम से देखिए, खा से खरगोश झूमता गाता, गाजर खा कर धूम मचाता। वेरी गुड, नेक्स्ट। गा से गमला, है ना? चलिए, गा से गमला, गा से कथा, कथा टोंकी, ना? डोंकी क्यों कहते हैं? बहुत सीधा होता है इसलिए कहते हैं। गा से गाय, गाय तो सब लोग जानते हैं ना, फिर से पढ़ें। देखिए, गा से गमला, गा से गधा, गा से गाय। ऊपर इसमें क्या राइम्स है? इसमें राइम्स है गा से गमला, गमले में फूल लगाओ, अपने घर को खूब सजाओ। सजाया जाएगा, सजाते हैं, सबके घर में है ना? या आई नो सबके घर में है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है घा से घर। देखिए, घा से घर, घा से घड़ा, घा से घड़ी। घर किसे कहते हैं? घर जिसमें हम रहते हैं, ठीक। घड़ा जिसमें पानी भरते हैं, और घड़ी जो हमें टाइम बताती है, वक्त बताती है ना? फिर से पढ़ें। चलिए, घा से घर, घा से घड़ा, घा से घड़ी। इसमें क्या राइम्स है? घा से घर में रहता परिवार, खुशियों का है यह संसार। घा से घर में रहता परिवार, खुशियों का है यह संसार। वेरी गुड, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है अंगा। अंगा मीन्स खाली। अंगा व्यंजन रहता है खाली, फूल खिले जैसे हो डाली। कितनी अच्छी राइम्स है ना, याद करिएगा।
अंगा व्यंजन रहता है खाली, फूल खिले जैसे हो डाली। अच्छा देखिए नीचे इसमें क्या लिखा है, नीचे इसमें लिखा है अभ्यास। अभ्यास किसका करना है, अभ्यास करना है पहले हम स्वर का करेंगे, आ आ ए ई ओ ओ री ए ए ओ ओ अंग आहा, ये स्वर है। फिर से पढ़ें, आ आ ए ई ओ ओ री ए ए ओ ओ अंग आहा। और फिर ये नीचे क्या है, नीचे है व्यंजन। व्यंजन मैंने आज आप लोग को अंगा तक पढ़ाया है ना, क ख ग ग अंगा। फिर से पढ़ें, चलिए, क ख ग घ अंगा, याद रहेगा ना, इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, ओके, लर्न करिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।